आज हमारे राजनीतिक विरोधी कई बार खड़े होकर के एक बात कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरी के लोग, कि इन्होंने 5100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देने की बात की थी, आपके बीच में 5100 दे तो नहीं पाए। भूपेंद्र हुड्डा जी, आप 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने बुजुर्गों के मान सम्मान में बढ़ाई पेंशन को कितना बढ़ाने का काम किया था। हमने तो पिछले 3.5 वर्ष में उसे बढ़ा करके 2750 रुपए करने का काम किया है, और आज भी हमारे मन में टीस है, जब भी दाव लगेगा 5100 रुपए देने का काम भी हम ही करेंगे। कहते हैं ना, नरवरगढ़ तो वही जाएगा जिसे नरवरगढ़ जाने की बाढ़ है। जो बात हमने कही है उसे पूरी करने का काम हम ही करेंगे। आज हमारे दूसरे राजनीतिक विरोधी भी कई तरह की नुक्ताचीनी करते हैं कि इन्होंने 75 पार के नारे वालों को यमुना पार करने की बात की थी और फिर उन्हीं की झोली में जा बैठे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज ही मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करने का काम किया, आज वो चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस की रैली के लिए कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भी उस रैली में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमें तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठने की बात करते हैं और स्वयं कांग्रेस की झोली में उनके पीठ पीछे लटकने की बात करते हैं। इंडिया में शामिल होने के लिए कभी पटना की टिकट बनवाई, कभी बॉम्बे की बनवाई, कभी बंगलोर की बनवाई, पर बनी बनाई टिकटें दरी रह गई, किसी ने इनवाइट तो किया नहीं। ये लोग इस तरह की बेबुनियाद की बातें करके, नुक्ताचीनी करके हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जरूरत है ऐसे लोगों से सचेत सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की। आज तो भूपेंद्र हुड्डा किसानों के हमदर्द बनने की बात करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा अगर लूटने का काम किसान को किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जिन्होंने किसान की जमीन को पौने दोएं पर खरीद करके रिलायंस और बड़े बिल्डर्स को देकर देने का काम किया। जो 17 और 21 लाख रुपए में जमीन किसान की रिलायंस ने खरीदी थी, आज वो 10-10 करोड़ रुपए एकड़ में झज्जर के पास बेचने का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये इस तरह के स्वांग करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज कहते हैं हम 300 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, परंतु देने का जब वक्त था क्या दिया था, यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करूंगा कि मन से मेरे से पूरो जो बातें पार्टी के नेताओं ने कही है, आज उनको अमली जमा पहनाने का काम आप गांठ बांध करके करें। और 25 सितंबर को पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस के अवसर पर माताएं बहनें विशेष तौर पे वहां पर आए, खसाला सर जी धाम के दर्शन भी करें, खाटू श्याम जी में भी मत्था टेकें और जननायक चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस को भी हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करें। यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है।